हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूकेजी का ईवीएस वर्कशीट पार्ट टू। पिछली वीडियो में मैंने यूकेजी का ईवीएस का वर्कशीट शेयर किया था, मैं लिंक में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये पहले आप चेक कर लीजिए, ब्रेन बूस्टर गेम है बच्चों के लिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा गेम है और ये स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में आता है, ओके। और इसमें 56 जो है वो पजल्स रहते हैं, ओके। ये बिल्कुल ही मैग्नेट का है और आपके बच्चे को बहुत मज़ा आएगा इसे खेलने में और ब्रेन तो बूस्ट होगा ही। ये देखिए, ये मैग्नेट है, इसमें क्या था वो चिपक जाते हैं सारे जो सीट्स हैं इसके, और जिससे बच्चे क्या है वो बना पाते हैं पजल्स जो भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे नहीं गिरने वाला है क्योंकि ये मैग्नेट का है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको पजल्स 56 पजल्स मिल जाते हैं इसमें। ये देखिए, ये बच्चों को बनाने हैं, ठीक है। ये सब पजल्स बच्चों को बनाने हैं, वो शेप देख करके इसे अच्छे से बना लेंगे, ओके। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। अमेज़न में है ये, अमेज़न का मैं लिंक डाल दूंगी, अमेज़न से लिया हुआ है मैंने बच्चे के लिए अपने, और काफ़ी काम का है ये, इसलिए सोचा मैंने कि मैं शेयर कर दूं आपसे भी। अगर पसंद आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा और वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, ओके। फिर चलिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। यूकेजी में बच्चों को ये भी दिया जाता है जैसे फास्ट एनिमल्स ईट, ठीक है। तो इसमें एलिफेंट्स जो है, एनिमल्स वो क्या खाते हैं, तो आप इसे बच्चों को मैचिंग के थ्रू दीजिए जिससे वो अच्छे से समझ पाएं। जैसे एलिफेंट का शुगर केन होता है, शुगर केन खाते हैं वो, रैबिट जो है वो कैरेट, रैबिट का कैरेट हो जाएगा, डॉग का हो जाएगा बोन, लायन का मीट MEAT है, रेड का हो जाएगा चीज़, मंकी का बनाना। इस तरह से आप मैचिंग के थ्रू उन्हें समझाइए कि एनिमल्स क्या खाते हैं, ओके। अब इस तरह पिक्चर्स बना करके भी आप दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। जैसे ये है शुगर केन की पिक्चर, तो शुगर केन की पिक्चर एलिफेंट से मैच होगी। ये है कैरेट, तो कैरेट रैबिट, ये बोन तो डॉग, ये मीट है तो लायन, ओके। तो इस तरह से आप बच्चों को ये मैचिंग के थ्रू आप समझा सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो क्या खाते हैं। अब देखिए, इसमें मैं सीज़न की बात करती हूँ, सीज़न बच्चों को कैसे समझा सकते हैं कि कौन से सीज़न में क्या यूज़ किया जाता है। मोस्टली सीज़न पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, ये तीन सीज़न यूकेजी में बच्चों को बताए जाते हैं। तो अम्ब्रेला किस से रिलेटेड है, तो रेनी सीज़न से, तो यहाँ बच्चे टिक लगाएंगे। रेनी सीज़न, हालांकि समर में भी यूज़ होता है अम्ब्रेला का, लेकिन फिर भी मोस्टली रेनी सीज़न में ही यूज़ किया जाता है, तो ये रेनी सीज़न हो जाएगा। और फिर ये फ़ैन है, तो फैन कब यूज़ होता है, तो समर सीज़न में। ये है वुलन कैप, तो विंटर, और ये आइसक्रीम, तो समर। इस तरह से बच्चों को दो दो ऑप्शन दे जिससे वो अच्छे से समझ जाए। और रेनकोट है, तो रेनी सीज़न में, तो आप दो दो ऑप्शन के साथ पिक्चर्स दे और वो टिक लगाएंगे बच्चे, तो इससे क्या होगा, उन्हें मज़ा भी आएगा करने में और उन्हें अच्छे से वो समझ भी जाएंगे कि कौन से सीज़न में क्या यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है पीपल हु हेल्प अस, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आप जैसे फिर से इस तरह से भी मैचिंग दे सकते हैं उन्हें, जैसे मेकिंग अ टेबल, टेबल कौन बनाता है, तो कारपेंटर हो जाएगा। फिक्सिंग अ टेप, टेप को कौन फिक्स करता है, नल वगैरह कौन बनाता है, तो प्लम्बर। स्वीपिंग द रोड, रोड कौन स्वीप करता है, कौन बहारता है, तो स्वीपर हो जाएगा। फिर वर्किंग इन अ फील्ड, फील्ड में कौन काम करता है, तो फार्मर। रिपेयरिंग ए कार, कार कौन रिपेयर करता है, तो मैकेनिक। और बिल्डिंग ए वॉल, वॉल कौन बनाता है, तो मेसन। इस तरह से बच्चों को ये मैचिंग के थ्रू भी आप समझा सकते हैं, पीपल हु हेल्प अस, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब, ठीक है। आप अपने से कुछ ऐड भी यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को बताइए जिससे उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। मैंने पिछली वीडियो में सब बताया हुआ है, फिर नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने और भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब है आपको मैच द एनिमल विथ व्हाट इट गिव्स अस, ठीक है। एनिमल्स हमें क्या देते हैं, जैसे इसे भी मैंने मैचिंग के थ्रू ही बच्चों को मैच करना है। इसमें भी अब काऊ है तो क्या देती है, तो मिल्क। इसमें मैंने पिक्चर्स भी बना दिए हैं, तो आप एक वर्कशीट में इस तरह से बना के दें, एक वर्कशीट में केवल पिक्चर्स दें, ओके। तो उनका रिवीजन होता जाएगा इस तरह से, तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो काऊ मिल्क, शिप वूल, हैन एग, गोट
सॉरी गोट मीट और हनी बी हनी। तो ये हो जाएगा आपको इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं कि कौन से एनिमल्स हमें क्या देते हैं। हाँ ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपको कि हम प्लांट हम बता सकते हैं कि कौन से प्लांट के क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमें इस तरह से पहले ड्राइंग कर देनी है, उसके बाद फिर बच्चों को बताना है। जैसे ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया, ओके पत्ते बना देने हैं हमें, फिर फ्रूट्स बना देने हैं। तो ये फ्रूट है, स्टेम है, इसे स्टेम कहते हैं, और ये हो गया रूट्स, ये पूरा जो हो गया वो रूट्स कहलाता है। तो ये पांच मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी ट्री या प्लांट के। तो ये हमें बच्चों को समझाना है, तो इस तरह से आप बताएंगे ये आते हैं। ओके, फिर लिविंग थिंग्स भी इसमें यूकेजी में बच्चों को समझाया जाता है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। जैसे जिसमें ब्रीथ जो ब्रीथ कर पाते हैं, जो मूव कर पाते हैं, जो ग्रो कर पाते हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। लेकिन जब किसी में ग्रो नहीं हो पाता है, मूव नहीं कर पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। मतलब वो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ब्रीथ नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते हैं, ओके ग्रो नहीं होता है उनका, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर, टेबल, पेन एट्सेट्रा हो जाएगा। लिविंग थिंग्स मैन, काउ, डॉग, क्योंकि ये लोग ब्रीथ कर पाते, सांस ले पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब ट्री तो मूव नहीं कर पाते हैं पेड़ पौधे, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि वो ब्रीथिंग उनकी होती है। ठीक है, अब इसी को हम मैचिंग के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे मंकी, डॉग, ये सब मैंने दे दिया, और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ लिख दिया। अब जो भी वर्ड इससे मैच करेगा वो उसमें मैच करेंगे बच्चे। जैसे मंकी है तो लिविंग थिंग्स, डॉग है तो लिविंग थिंग्स, बेबी है तो लिविंग थिंग्स, पेन है तो नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल है तो नॉन लिविंग थिंग्स, अब ट्री है तो लिविंग थिंग्स। इस तरह से आपको बच्चों को देना है बना करके वर्कशीट, ओके, और आप बच्चों को बताइए। वर्कशीट्स उन्हें इस तरह से बना करके दीजिए जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो अच्छे से समझ पाए। ओके, अब मैं ये वीडियो ये वाला यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बच्चों को आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए। ओके, फिर